आपके ऊपर तो बाबा ने इतनी विशेष कृपा करी है, जिस कृपा के लिए न जाने दुनिया में कितने लोग तरसते हैं। भैया ने बताया कि इनके मंदिर में ड्यूटी लगती है एकादशी और द्वादशी के दिन। हम मंदिर में धक्के खाते जाते और धक्के खाते निकल लेते हैं। और नहीं नहीं, इनकी भी मजबूरी है, अगर सबको रुकने देंगे तो फिर जितने प्रेमी पीछे खड़े होते हैं उनके दर्शन कैसे होंगे, क्योंकि हम भी तो लालची है ना। ऐसा तो होता नहीं है कि हम जाते हैं और दर्शन करके निकल लेते हैं, जब तक हमारे को धक्का लगे नहीं तब तक हम भी निकलने का नाम नहीं लेते, क्यों? लेकिन बाबा ने विशेष कृपा करी आप पर भैया, आपको भी प्रणाम। श्याम भक्त जग में बड़े उनको करूं प्रणाम। ऐसे ही बाबा की कृपा बनी रहे। और आपका तालियां बजाना सबसे ज्यादा जरूरी है, एक बार जरा इनकी भी तालियां देख लो। आजा आजा श्याम बाबा, आजा आजा श्याम बाबा, आजा आजा श्याम बाबा, आजा। भाई साहब सुनो ना, भैया सुनो, मैं मंडल वालों से निवेदन कर रही हूँ, एक घंटे के लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मेरे को, किसी का भी नहीं चाहिए, ना पटाखे चाहिए ना कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आपको अगर देना ही है ना, आप सिर्फ तालियां बजा दीजिए, मेरे लिए वही बहुत है। प्लीज, आप लोग का किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे साथ गलत हो जाएगा। मैं उस गलती की सजा बिल्कुल नहीं भोगना चाहती जो मेरी है ही नहीं। आपको पता है एक आर्टिस्ट कहीं जाता है ना तो अपनी जी जान लगा देता है, चाहे वो कितना भी थका हुआ रहे, चाहे उसकी तबीयत कितनी भी खराब रहे, चाहे उसके साथ कुछ भी होता रहे, वो मानसिक रूप से कितना भी परेशान हो, वो शारीरिक रूप से कितना भी परेशान हो, अपनी परेशानी वो स्टेज पे आके नहीं दिखाता। किसी आर्टिस्ट को आपने कहते सुना है कि अब मेरे कमर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मुझे बुखार है, कुछ है? नहीं सुना होगा, जनरली नहीं सुनते। लेकिन हम कोशिश करते रहते हैं और बीच बीच में ये डिस्टर्बेंस होता है ना, कभी कोई आके अनाउंसमेंट करवाना, कभी कुछ आके कुछ, कभी ये पटाखे। मैं तो वैसे भी कमजोर दिल की मरीज हूँ और पटाखे फोड़ते मेरी धड़कन बढ़ जाती है। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे को उस गलती की सजा नहीं चाहिए जो मैं नहीं कर रही। मेरा काम है भजन गाना, मैं सिर्फ उतना करने आई हूँ, मेरे को उतना करने दीजिए शांति से। आजा आजा श्याम बाबा, आपके भी सहयोग की आवश्यकता है। आजा आजा श्याम बाबा, ये पूरे पूरे हाथ उठा के, एक दो तीन। जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है बाबा, जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, तूने उस जीवन को आंखों से संवारा है बाबा, जब भी जिसने पाया मैंने
हम प्रियों बहुत गए बिन तेरी कृपा बाबा, हमें कुछ ना गवारा है बिन तेरी कृपा बाबा, हमें कुछ ना गवारा बंद हो जाए उस समय अगर हम बाबा को बुलाएं तो बाबा जरूर आता है। किस किस ने ऐसी कृपा महसूस करी है बाबा की? सच्चा श्याम प्रेमी वो नहीं होता जो जब उसकी मर्जी हो तब वो खाटू चला जाए। सच्चा श्याम प्रेमी वो होता है जो अगर किसी दूसरे प्रेमी की आंखों में आंसू आए उसकी आंखों को देख के उसका भी दिल भर आए। किसी की कोई कमी हो ज्यादा नहीं तो कम से कम उसको कुछ हिम्मत तो जरूर दे पाए। आइए, हारे का सहारा बाबा श्याम, हारे का बाबा श्याम। कौन कौन बाबा के सच्चे प्रेमी बनेंगे एक बार जो जो बाबा के सच्चे प्रेमी होने का दावा करते हैं उठाइए पूरे पूरे हाथ, सीधे सीधे हाथ, और तालियों की सेवा ऐसी बजाना कि जिसका विश्वास बाबा पे कमजोर हो आपकी तालियां देख के उसका विश्वास मजबूत हो जाए। मिलके 1 2 3 4 ऊपर। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे